नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। सर, कांग्रेस जितनी बटी हुई आज है, हाल के दिनों में शायद इतनी बटी हुई कभी नहीं थी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त कांग्रेस में दो खेमे हैं, एक सोनिया गांधी का खेमा और एक राहुल गांधी का। एक खेमा चाहता है कि सोनिया गांधी पार्टी प्रेसिडेंट बनी रहे, दूसरा खेमा सोचता है कि राहुल गांधी का वक्त आ गया। मीडिया इन दिनों में भ्रम फैलाने में माहिर हो चुकी है। सोनिया गांधी की लीडरशिप कौन चैलेंज कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए। राहुल गांधी की लीडरशिप सुन लीजिए ना, कांग्रेस प्रेसिडेंट आज सोनिया गांधी है, श्रीमती सोनिया गांधी है, उनकी लीडरशिप कौन चैलेंज कर रहा है? वही हमारी अध्यक्ष हैं और वही निर्णय करेंगी कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा। हम लोग उनकी लीडरशिप में सब विश्वास करते हैं, इसलिए आप उसमें क्यों चिंता व्यक्त करते हैं? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त अरुण जेटली को हराकर संसद पहुंचे अमरिंदर सिंह का मानना है कि राहुल गांधी को और तजुर्बे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते और अगर वो बनते हैं तो उन जैसे कई नेता पार्टी छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राहुल जी, जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला था, लोग बाग यही उनके बारे में भी कहते थे और उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। ये अवसर की बात होती है। सोनिया जी को अवसर मिला, उन्होंने उन लोगों को भी साथ जोड़ लिया जो उनके खिलाफ रहते थे और यहां तक कि जो उनके फॉरेन ओरिजिन के मसले को लेके बाहर गए थे पार्टी से, उन्हीं लोगों का समर्थन सोनिया जी को रहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। प्रधानमंत्री बनने के विषय पर वो छोड़ के गए थे लेकिन मजबूर होकर वापस। राहुल गांधी तो एकदम उल्टा करते, जो उनके पक्ष में होते हैं वो भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। आप फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी जी अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने हैं, अवसर आने पर बात नहीं करें। क्या बनना चाहिए उनको कांग्रेस अध्यक्ष? क्योंकि संदीप दीक्षित ने कहा कि इस वक्त पर कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी के नेतृत्व की जरूरत है और कोई आगे आना नहीं चाहिए। आप और कमलनाथ लगे वक्त से कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आगे आने का वक्त आ गया है। देखिए, ये वक्त का निर्णय दिग्विजय सिंह या संदीप दीक्षित या कमलनाथ नहीं करेंगे, ये सोनिया गांधी जी करेंगी, तो ये निर्णय उनको करने दीजिए। चर्चा हुई आपकी उनसे जी इस बारे में? चर्चा हुई आपकी? जो सोनिया गांधी जी से चर्चा होती तो मैं क्या राहुल कमल को मीडिया में बताऊंगा? नहीं, बता सकते, खबर बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो सोनिया जी से मेरी क्या बातचीत होती है, ये एक कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के अध्यक्ष के साथ बातचीत होती है तो उसको पब्लिकली होती है। नहीं, क्या? पर सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की छवि को बहुत नुकसान पहुंच रहा है जब ये कैंप बन गए हैं? एक क्योंकि नया गार्ड वर्सेज ओल्ड गार्ड, ये लड़ाई नहीं है, ये है कि क्या लोग राहुल गांधी की काबिलियत में विश्वास रखते हैं कि नहीं। और लग रहा है कि बहुत लोग अब खुल के बोल रहे हैं कि हमें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं। ऐसा है, सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष हैं, उनके विवेक पर ये बात छोड़िए, इन विवाद में पड़ने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें माता का प्यार है जो कि हर माँ में होता है और वो चाहती हैं कि राहुल गांधी को प्रोटेक्ट किया जाए। राहुल गांधी को लगता है कि बस छोड़ दो मुझे, मैं खुद संभाल लूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि यही कहीं ना कहीं पार्टी में जो द्वेष है उसका विषय बन गया? कोई इसमें न तो द्वेष है, न दुर्भावना है, न फर्क है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं सर, आप तो ये बार बार कह रहे हैं। आप बयान तो देखिए, एक के बाद एक के बाद एक नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे ये बहुत क्लियर हो गया कि कांग्रेस इस वक्त दो कैंपों में बटी। कंवल जी मानते हैं कि नहीं कि कांग्रेस दो कैंपों में बटी? बिल्कुल नहीं, एक तो ही, एक ही कैंप है सोनिया गांधी जी का। नहीं नहीं, एक राहुल गांधी का भी कैंप है। क्या वो जो राहुल गांधी जी के साथ जो है वो सोनिया गांधी जी को अपना अध्यक्ष नहीं मानते? उन्हें लगता है कि सोनिया जी का वक्त हो गया, अब राहुल को। बड़ी गलतफहमी है, इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी का विरोधी कोई एक आदमी का नाम बता दीजिए जरा मुझे। पर सोनिया गांधी के विरोध में कोई नहीं है। तो बस मैं आपसे कैंप कहां से हो गया सर? सवाल मैं आपसे कैंप कहां से हो गया? जवाब आप वो देते जो आपको पसंद में आता है। नेचुरली सोनिया, मैं क्या आपके पसंद के जवाब दूंगा? वो हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष है, बाकी कोई चीजें है नहीं। तो अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ देंगे अगर राहुल गांधी इंचार्ज बन गए? अमरिंदर सिंह जी का जहां तक सवाल है, मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई है, मैंने वो भी नहीं देखा है कि उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में। ऐसे ना बोलिए ना सर, आप इतने चतुर हैं, आपने अमरिंदर सिंह का बयान नहीं देखा? नहीं, आज तक तो बैठे, किसको बना रहे हैं? नहीं देखा मैंने, वाकई में नहीं देखा। और मैं राहुल कमल जी आपको बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आप भी राजा वो भी राजा। देखिए ऐसा है, वो महाराजा हैं ना, मैं राजा वाजा कुछ नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अमरिंदर सिंह जी के मन में सोनिया जी के प्रति बेहद सम्मान है
और हमारी पार्टी में केवल एक ही कैंप है और वो है सोनिया गांधी। आपको लगता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स उन्हें सता रही कि राहुल गांधी प्रताप सिंह बाजवा को फेवर कर रहे हैं, उन्हें पार्टी अध्यक्ष बना दिया पंजाब में, कहीं राज्य की राजनीति है, कहीं जिले की राजनीति है, लेकिन राष्ट्र की राजनीति में कोई बात फर्क थोड़ी ना है। तो आपकी बातों से कुल मिला के बोलो आप निकाला जाए तो दिग्विजय सिंह आज ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी पार्टी प्रेसिडेंट। आपकी और कमलनाथ की जो मुहिम थी कि राहुल गांधी को इंचार्ज बना दो, वो लगता है ठंडी पड़ी। राहुल कंवल जी आप में बाहर आप बन गए हैं, दूसरों की ओपिनियन आप अपनी ओपिनियन आप ओपिनियन दे चुके हैं। सवाल आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप ओपिनियन दे रहे हैं। आप ओपिनियन दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ऐसा सोचते हैं, ये ओपिनियन है, ये सवाल नहीं है। सवाल अगर होता तो आप उसे सवाल के रूप में पूछते, आप तो ये ओपिनियन दे रहे हैं। फैक्ट तो इसका तथ्यात्मिक सत्य ये है, सोनिया गांधी ही हमारी अध्यक्ष हैं। कब क्या निर्णय होगा ये सोनिया गांधी तय करेंगी, ना कमलनाथ तय करेंगे, ना कैप्टन अमरिंदर जी करेंगे, ना दिग्विजय सिंह करेंगे। आपने पहले कहा था कि वक्त आ गया है कि बेटन जो है वो राहुल गांधी को पास किया जाए, कि एक नई जनरेशन टेक ओवर करे, कि जो बुजुर्ग नेता है वो कब तक चलते रहे। राहुल जी ये प्रकृति का नियम है, जनरेशनल चेंज होता है, कब होगा ये सोनिया जी पे छोड़िए। अभी नहीं होगा जो कुछ कांग्रेस, सोनिया जी पे छोड़िए। अच्छा ये बताएं कि 19 तारीख को कांग्रेस एक बड़ी रैली करने वाली है लैंड एक्विजिशन के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ, रहेंगे उसमें राहुल गांधी की फिर चले जाएंगे? निश्चित तौर पे रहेंगे, पक्का। और भाषण भी देंगे। कितने दिन रहेंगे आपकी बात हिंदुस्तान में ये उनसे पूछिए। आपको नहीं पता चर्चा हुई इतने दिन जब राहुल नहीं थे, छुट्टी बना रहे थे? ऐसा है, राहुल गांधी जी से आपको चर्चा करना है कब तक रहेंगे, या आप उनके दफ्तर से पूछिए या उनसे पूछिए। दिग्विजय सिंह तो उनके स्टाफ में है नहीं, तो जब इतने दिन 50 दिन वो गायब थे हिंदुस्तान से, गायब नहीं थे, छुट्टी मना रहे थे। नरेंद्र मोदी बड़ी लंबी छुट्टी मिलती है, तो बड़ी किस्मत वाली है। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री, अगर एसपीजी के प्रोटेक्टी को ये पता नहीं लगा पाए कि वो कहाँ है, तो कैसी सरकार चला रहे हैं? नहीं क्या पता वो जानते हो ना बता रहे हो, क्यों? क्योंकि वो तो एसपीजी प्रोटेक्टी है, फिर गायब नहीं है। नहीं गायब मतलब छुट्टी मना रहे हैं सर, पब्लिक की नजर से गायब। आप पब्लिक की नजर से गायब। मैं एक बात समझ सकता सर, आपने इतनी लंबी छुट्टी कब ली? 50 दिन की छुट्टी दिग्विजय सिंह ने कब ली जिंदगी में? मैं लेना चाहता हूँ, मैं भी लेना चाहता हूँ, पर आपको कोई मौका लगा लेने का? ये तो मैंने छुट्टी ली थी जब 1991 में चुनाव हार गया था, तो मैंने छुट्टी ली थी, सवा साल के लिए थी। पर आप ऐसे थोड़ी कि 50 दिन के लिए बाहर निकल गए, किसी को आता पता नहीं। मैं सवा साल के, आपकी चर्चा नहीं हुई 50 दिन में राहुल गांधी, चर्चा नहीं हुई आपकी? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों कहाँ क्यों चर्चा करूँ? और ये आप गायब की जो बात कह रहे हैं ना, गायब नहीं है तो वो, पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह उनके नाम। वो तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी लगवा दे पोस्टर, मैं नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगवा दूं कि एनआरआई प्राइम मिनिस्टर को मैं ढूंढ रहा हूं कहां है, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं पर आपको लगता है कि आपकी दफा, अच्छा आ चुके हैं क्या राहुल वापस? जी आ चुके हैं क्या वापस? मैं इतना जानता हूं 19 अप्रैल 2015 में वो किसानों की, किसान खेतिहर मजदूरों की रैली को तो संबोधित करेंगे, चिंतन के लिए गए थे, तो जो मंथन मंथन हुआ उसमें से आपको लगता है कुछ जो निकल के आया वो ऐसा होगा जिससे कांग्रेस के अच्छे दिन आए? ऐसा है, अच्छे दिन तो केवल दो व्यक्तियों के आए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बाकी सबके जो दिन हैं ऐसे हैं कि उनका मंत्रिमंडल, उनकी पार्टी और इस देश का आम नागरिक, हमको तो ये बताया गया था कि बस 100 दिन में काला धन सारा आ जाएगा, हर खाते में 15-15 लाख जमा हो जाएंगे। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, 15 लाख कहाँ गए, किसान के अच्छे दिन कहाँ गए, मजदूर के अच्छे दिन कहाँ गए। एक तरफ जब तेल के भाव गिरते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देखो मेरे भाग्य से तेल के भाव गिर गए, अब ओले पड़ गए, अतिवृष्टि हो गई, आपके ही भाव से किसान मर गया। पर आपको लगता है कि राहुल गांधी में बदलाव आएगा? कि आपको उम्मीद है राहुल गांधी जी में बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं है, ये तो राहुल गांधी जी को तय करने दीजिए ना। अरे सर आप तो हमेशा पहले बड़ी बेबाकी से राय, मैं आज भी थक गए आप, आज भी राहुल गांधी को समझाते उनका गुरु थक गया है। मेरी सुनता नहीं, पहली बात तो मैं उनका गुरु नहीं हूँ, बेबाकी के लिए मैं जाना जाता हूँ, और वो तकमा जो मेरे पे लगा हुआ है उसको मैं खोना नहीं चाहता हूं। मैंने हमेशा से बेबाकी से राहुल कंवल जी से और अन्य लोगों से बात की है, आज भी कर रहा हूं। राहुल गांधी जी कब आ रहे हैं, क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन 19 अप्रैल 2015 में
किसान खेतियर मजदूर रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट हमें नए जोश में दिख रही है, हरियाणा गई, राजस्थान गई, यहाँ पर एकदम मार्च किया, लग रहा है कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में वो ज्यादा सक्रिय हो गई। ऐसा है, हम लोगों को पूर्ण तरीके से पूर्णतः सोनिया गांधी के नेतृत्व भरोसा है, था, है और रहेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग या वो लोग, आप पता नहीं 98 में आप इसमें मीडिया में शुरुआत करे थे, आपको याद होगा उस समय क्या लोग कहते थे, अरे फॉरेनर है, क्या करेंगी, हाउसवाइफ है, पढ़ के बोलते, लीडर नहीं है, रीडर है। लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप कायम करी, 350 सांसदों में वो लोग भी थे जो प्रधानमंत्री फॉरेनर नहीं बनेगा उस बिंदु पर छोड़ के गए। राहुल भी लेकिन कर पाएंगे जी, क्या राहुल भी कर पाएंगे? मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे? मौका तो सर 10 साल में उनको कितना मिला है, हर बार मौके पे गलत चीज करते हैं वो। राहुल कंवल जी, बस आप जो है ना इतने नाराज पता नहीं क्यों है राहुल गांधी जी से, इसका तो विश्लेषण मैं करूंगा, मैं थोड़ा रिसर्च भी करूंगा। मैं राहुल कंवल जी क्यों इतने नाराज है राहुल गांधी जी से, मैं उसका विश्लेषण, देश की जनता नाराज नहीं है। आप चलिए मेरे साथ 10 लोगों से पूछते हैं क्या सोचते हैं राहुल गांधी। राहुल कंवल जी, आपकी नाराजगी हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता, मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन इतना मैं जानता हूं, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व ही आज कांग्रेस पार्टी में है और वही निर्णय करेंगे, वही निर्णय करेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में कल प्रधानमंत्री की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों से बर्लिन में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जो नेताजी की फाइल हैं, जिनको कांग्रेस पिछले 60 साल से दबाने की कोशिश कर रही है, उनको डीक्लासिफाई करने के बारे में सरकार जल्द फैसला लेगी। आपको चिंता है कि पंडित नेहरू के बारे में कई सारी चीजें निकल सकती हैं, बाहर आ सकती हैं, जो कि आप नहीं चाहते थे कि बाहर निकल के? आप क्यों भूल जाते हैं, उनमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री काल भी रहा। ये क्यों भूल जाते हैं कि वीपी सिंह जी का भी रहा है, उस ये भूल जाते हैं मुरारजी देसाई का भी रहा है, वो तो कांग्रेस की सरकारें नहीं थी। उस समय क्यों नहीं निकाला गया? केवल एक माहौल भ्रम पैदा करना, और भ्रम पैदा करने में आरएसएस और बीजेपी से बड़ा कोई माहिर नहीं मिलेगा आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्पष्ट प्रमाण है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है तो उसको पब्लिक करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यूरोप में गए, वहां पर उन्होंने कहा कि हम सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट लेने के लिए। ये जो आपकी डील थी, यूपीए सरकार की डील थी, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। आपको लगता है ये सही फैसला था? ऐसा इस मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय के एक क्रय करने की एक प्रक्रिया है, हम तो इतना भर जानना चाहते हैं कि उस क्रय प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं हुआ, क्या इस कैटेगरी में इससे बेहतर एयरक्राफ्ट और मिल सकते थे क्या, क्या उससे बेहतर एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट की कीमत से कम मिल सकते थे क्या, इसके बारे में एक व्हाइट पेपर जानकारी उपलब्ध करा दें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी से कि वो अदालत में जाने वाले थे, एक यू टर्न क्यों हो गया, क्या उनको संतुष्ट कर दिया गया क्या? नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह ये वायदा कर दें कि वो राजनीति छोड़ देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है तो पीएम के खिलाफ। सुप्रीम, मैं क्यों राजनीति छोड़ दूं? इसका मतलब ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ समझौता कर लिया है। आपको लग रहा है सेटिंग हो गई उनकी? भाई यू टर्न क्यों हो गया? यू टर्न क्यों हो गया? आप घोषित कर दीजिए आज तक कि आप राजनीति छोड़ देंगे। मैं क्यों छोड़ दूं? उनके कहने से मैं पॉलिटिक्स में आया साथ क्या? चलिए, आपने हमें वक्त दिया दिग्विजय जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिग्विजय सिंह से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।